अब बिहार बीजेपी में ये जो नाराजगी की खबरें हैं, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को जैसे बैठे बिठाए हमले का मौका मिल गया। आरजेडी कह रही है बिहार की एनडीए सरकार में तो बवाल मचने वाला है। भारी संख्या में बीजेपी के जेडीयू के नेता जो नाराज चल रहे हैं उनमें भगदड़ मचेगी, ये दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। अभी बिहार के एनडीए सरकार में भारी बवाल मचने वाला है, तूफान आने वाला है। और अभी कल ही कुछ माननीय विधायकों ने बैठक की है और कई सवाल खड़े किए हैं। 50 दिनों के बाद तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, भारी पेच फंसा हुआ था। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो विवाद खड़ा हुआ है और जो माननीय विधायकों की नाराजगी है वो दिख रही है। ये सरकार के ऊपर जो खतरा था वो अभी भी टला नहीं है। किसी भी समय कोई भी बड़ा खेल हो सकता है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारी संख्या में बीजेपी के जेडीयू के माननीय विधायकों में नाराजगी है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना, हमारे सहयोगी शशांक कुमार इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से आखिरकार ये चल क्या रहा है। राजू, जो विधायक हैं बीजेपी के उनके घर पर बैठक होती है और उसके बाद मिश्रीलाल यादव जिस तरीके से बयान दे देते हैं, मतलब ये भानुमति का पिटारा जो खोल दिया है मिश्रीलाल यादव ने अपने बयान से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों में नाराजगी है और राजू सिंह का यही आवाज़ है। जहां कल रात बैठक हुई, मिश्री लाल यादव खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन राजू सिंह खुलकर कुछ अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुझे मंत्री बनाने का वादा किया गया था लेकिन बनाया नहीं गया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। जो कल रात बैठक हुई है उसमें हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 10 से 12 विधायक आए थे, जिसमें ज़्यादातर सब राजपूत समाज के थे। जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, देखिए बिहार में बीजेपी कोटे से कुल 15 मंत्री हैं जिसमें से 6 विधान पार्षद हैं। तो इन विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, इसलिए इतने सारे विधान पार्षदों को बीजेपी कोटे से मंत्री क्यों बनाएगा, इस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन खुलकर राजू सिंह फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो अन्य राजपूत समाज के विधायक बैठक में आए थे वो भी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन आरजेडी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, और हमें एक जानकारी मिल रही है कि 21 तारीख को एक और बैठक हो सकती है जिसमें विधायकों की संख्या और ज़्यादा रहेगी, और हो सकता है कि उस दिन सभी विधायक खुलकर अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखें। और तो आगे मतलब ये तो चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी की इस नाराजगी की वजह से अपने विधायकों के। बहुत शुक्रिया आपका शशांक, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन आपका रुख करेंगे। और इस बीच बिहार में एनडीए के बीच अभी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आज का दिन अहम हो जाता है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो दिल्ली आ रहे हैं। आज माना यह जा रहा है नीतीश कुमार की आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी और उसी पर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर औपचारिक मोहर लगेगी। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आकर नीतीश कुमार बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर कौन गठबंधन का साथी, कितनी सीटों पर, कौन कौन सी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगा 24 चुनाव में, इसका पूरा खाका आज दिल्ली में तय कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आकर नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और बिहार को लेकर ही एक और बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली आ रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व से तेजस्वी यादव की आज मुलाकात होनी है। तो देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों ही गठबंधन में इस समय हलचल तेज। बिहार में नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेंगे दिल्ली पहुंचकर। और महागठबंधन में भी सीटों का जो फॉर्मूला है वो माना जा रहा है कि उस पर औपचारिक मोहर लगेगी। तो बिहार में दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर औपचारिक मोहर लगाने की जुगत में ये मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? हम लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेंगे। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? हम लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं जैनेन्द्र से क्या समझ में आ रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, आखिरकार क्या हो सकता है महागठबंधन बिहार में?
देखिए बिहार में 40 सीटें हैं और मुख्य दो घटक हैं कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस ने 14 से शुरुआत की थी, हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीद है 10 सीटों के आसपास अगर आरजेडी दे तो बात बन जाएगी 10 सीटों के लिए। फाइनल दौर में कांग्रेस जो है वो दबाव बना रही है। हालांकि आरजेडी के सोर्सेज का कहना है कि कांग्रेस को आरजेडी 7 से 8 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है बिहार के गठबंधन में वो है वाम दल। वो तीन दलों का गठबंधन है, CPIML, CPI और CPM। ये तीन दल मिलके कम से कम 5 सीटें मांग रहे हैं, तो पेंच जो है वो अब तक सुलझा नहीं है। एक फार्मूला जो है वो जरूर चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में कि 28 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है, 9 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है और 3 सीटें वो वाम दलों के लिए छोड़ सकती है। हालांकि मेरी जो बात हुई है ये कहा जा रहा है कि ये फार्मूला जो है वो बदल सकता है। एक और बात रोमाना मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अगर वो पाला बदलते हैं तो इंडिया गठबंधन में फिर सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो बदलना ही है। हाजीपुर सीट पर उन्हें समर्थन मिल सकता है। एक सीट पूर्णिया की पप्पू यादव के लिए छोड़ी जा सकती है, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में तो हैं, लेकिन उनका भी अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं है कि क्या वो औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। अगर होंगे तो उनके लिए भी एक सीट तो छोड़ी ही जाएगी। बिल्कुल, तो फिलहाल कहां पर बिहार के साथी के लिए कितनी गुंजाइश छोड़ी जाए और ये आकलन करते हुए कि आने वाले समय में हो सकता है एनडीए के जो अभी कुछ गठबंधन साथी हैं वो शायद महागठबंधन का रुख करें, उसी को लेकर ये मंथन जो दिल्ली में तेजस्वी यादव करने आ रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया आपका जैनेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।